ਚੋਇਨ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੋਇਨ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੋਇਨ ਚਲੋ आज बेटा बकरे तूने ने लाने हैं। कहता मैं नहा के बैठा हूँ, मैंने नहीं बकरे ने लाने हैं। आज बेटा तू ही ने लाएगा, आज तू ही बकरे ने लाएगा। सही तरह नहलाओ, सही तरह मैल तो इसकी उतरी नहीं है, आप लोग नहलाई जा रहे। चल और तू क्या करी यार, अहमद अली सही तरह नहला इसको। ये गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी का सीन कुछ इस तरह की यार, आज है संडे तो आज हम लोग ने लाने लगे हैं अपने ढोलू बोलू को, ठीक है। और अहमद अली ना आगे बैठा हुआ, कहता मैंने बकरे ने लाने नहीं आए, तुम लोग जो मर्जी कर लो, इसको उठा के हम लोग लेके आए। हाँ कसम अल्लाह दी, तू धुप में ज्यादा काला लगन लग पा। हाँ डोलू बोलू बेटा, आज तुम लोगों को चमका देना, ठीक है। नीचे से ज्यादा गंदे हुए, ऊपर से वैसे साफ ही है। ये साफ, हाँ ये नहीं लाएगा भाई, तू नहीं लाएगा उनको, आए ऐसे नहीं छोड़ना तुझे। ब्रश ले गया, चल सूफी तो शर्माने वाली कौन सी बात है, कुत्ते लोगों ने नहाता रहना, तू बकरे नहीं लाने। उसको चेक किया वो अपनी है ना, बैला ने लाता रहता तो कुत्ता अपना दूसरे दिन बाहर ना सरफ लगा के। आपकी तो पहले शर्ट गंदी हुई, आप तो ना मैं तो नहीं ला दूंगा, मैं भाग नहीं रहा, तू भी नहीं लाएगा, ठीक है। चल भी इसको खोल के उधर लेके आते हैं, और इनके लिए हम लोग स्पेशल जो औजार है इंग्रेडिएंट है वो लेके आए हैं। तो अभी तुम लोगों को वहाँ पे चल के दिखाते हैं हम लोग क्या लेके। पावे खाने ने ईद नहीं आती, पुत्र इन नवा ना पहले नवा के पावे पूवे साफ कर चंगी तरह। हाँ जी क्या पावे? ना ना भाई बकरे आए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जानवर हम लोगों को मिले हैं घर के पले हुए। इनको बांधते हैं इधर, ठीक है, इनको नहलाना। आज स्टार्ट करते हैं, आज बेटा तुम लोगों को चिट्टा करके जब हमने भाई ले ही जाना ना, ठीक है। आज तो संडे भी है, रौनक मेला फुल, बच्चे आपके फैन हो जाने। अभी सबसे पहले इनको नहला के चिट्टा करते हैं ना, उसके बाद जो है कोई इनकी प्यारी सी रस्सी लेके आते हैं, फिर झांझरे वगैरह और सारा कुछ जो महंगी सीट हो तो ना। अभी तुम लोग दिखाते हैं हम लोग इनके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या लेके आते हैं। बाइक अपनी इधर है, ये शर्जील बाइक चेक करो, इसने अपनी फुल चमकाई हुई है। दो दो के हम लोग लेके आए हैं बकरों के लिए भाईजान, ये सूफी सोफ साबुन, ठीक है, इसके साथ इन लोगों ने नहाना है, ठीक है, अदरवाइज इन्होंने साफ नहीं तो होना चाहिए। फाड़ो चल शुरू हो यार, इनको पहले यहाँ पे बांधते हैं गेट के साथ, ठीक है। पहले एक को नहीं लाते हैं ना शर्जील, ये दोनों को इकट्ठे, एक बंदा एक को दूसरा दूसरे को, तू भी ना इन्हें बकरियां, ठीक है। आदिल इसको भी यहाँ पे बांध देना, ये पकड़ कैमरा, अहमद कैमरा पकड़, एक ओए किधर चल रहा है, इधर वाड़ो, मैंने इसको यहाँ पे बांध दे। अच्छा पाइप ले गया, हम भी पानी चला दे। आज तुम लोगों को भाई बकरे नहाने का तरीका बताऊंगा, कैसे बकरे को नहलाते हैं। सबसे पहले आपने लेना है पाइप, उसको आपने बांधना टूटी के साथ। अभी गर्म पानी आ रहा, रुक जाओ, अभी ठंडा होने पानी, पहले इसको नहलाओ ना। साबन सुबन ला अगे हो गए। अहमद तेरे हाथ से चने दाल आई उसके मुंह पे तो पानी डालेगा भाई, वो ऐसे ही करेगा, देखिए अभी को भी ना होना जरा कभी आप भी नहाता मेनू नहा आ गया। चल अहमद साबुन लगाना शुरू कर, अहमद पकड़ ब्रश, क्या कर रहा है अहमद भाई, आगे हो अहमद यार, अगे हो तो भाई जान सही तरह नहलाओ, सही तरह मैल तो इसकी उतरी नहीं, आप लोग नहलाई जा रहे। चल और तू क्या करी यार, अहमद अली सही तरह नहला इसको, ये देखो इधर के काम चेक करो, मैं बकरे को ना ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उसकी सारी मैल उतर के मेरे मुंह पे आ रही है। सही चिट्टा हो रहे हैं आप, हो रहे हैं मल मल के थक गए भाई, केड़ी कैसी मैल तेरे में फंसी हुई है। मैल नहीं भाई, डार्क ब्राउन होने तो बाल कराए ने, तो नहीं पता फैंसी बकरे डाई करवाए, डाई करवाए इतने करवा दो तू, कुत्ता नहाती ला रहे तो डरा रहे यार। पहले तो अहमद अली के मुंह पे साबुन लगाना पड़ना, अहमद अली साहब ड्रामे करी जा रहे हैं, ठीक है। काम अहमद अली लाओ, इन्हें साबुन लाओ, इन्हें चिट्टा करो।
अब किधर जाएगा शेरा? चौधरी साहब ने चेक करो सा जायजा लै रहे काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओ चौधरी औरंगजेब तू तो इंज बैठा जी मैं काम वाले तू बुलाए होंगे उठ चल पैसे नहीं देने के जेब च एक मिनट यही गल पे आ पैसे नहीं देने तेरी जेब चो 10 रुपया निकल आए इन्होंने मान जा 3 लाख रुपया मेरा वो खलोता नहीं जेब चो कर। तो फाइनली यार एक बकरा जो है हम लोगों ने नहला दिया ऊपर से तो ये लश 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 करके चिट्टा हो गया पर नीचे से जो इसकी मैल है ना या तो इसका कलर ही ऐसे है या तो ये मैल उतरी नहीं है। ओ भाई इधर मल मल के ब्रश मार मार के मेरे हाथ दर्द होने लग पे इन मैल नहीं उतरी दे है बेचारा मासूम जो है हले थोड़ा नु है ते इसका जो है ये सही साफ सुथरा हो गया नया हो गया ये भी ज्यादा करने क्योंकि बैठते हैं ना मट्टी चट्टी और जबकि पैदा होते हैं ये बैठते ही ऐसे हैं तो बहुत कम ये नीचे से साफ होते हैं। इनसे बकरे ज्यादा साफ हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बाल नहीं होते इतने। इनके ऊपर भी खैर कम है लेकिन जो बाइक से हम लेते हैं ना उनके ऊपर बड़े ज्यादा बाल होते हैं। हाँ भाई ला दिए ठीक है पूछने नु मजा मुजा है कौन नहीं आया मजा नु मजा नहीं नहीं आया मजा इसको इसके बच्चे दिमागी फ्रेजी जिंदगी को एंजॉय नहीं करता। ए बंदा सही आ रहा है इसने मशूका मशूका भी रखी है निकल जाता अपनी मर्जी ना बाहर तो जाई जाता है वो खुल गए थे रात को खुल गए थे ठीक है शुक्र इसने मारा नहीं फिर उसको कहीं एक दिन हमने पकड़े गए जाओ इधर को जा रहे थे खुल गए मैं और अहमद मगरिब की नमाज पढ़ के आ रहे हैं और ये जनाब साहब इधर को जा रहे हैं। और भाई इसने अभी दीवार के साथ लग के किया होना ये देखो भाई जान तो दोबारा पानी मारो इनको मैं तूने डर क्यों रहे हैं गुस्सा चढ़ गया गुस्सा चढ़ गया गुस्सा चढ़ गया दरवाजा शरवाजा खोलो चलो भाई आयो छोड़ देते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही आधा घंटा घूमेंगे ठीक है पानी शानी सारा कुछ सूख जाएगा भाई जान इनकी पिटाई हो रही है बहुत ही स्थान हो गया बहुत तंग करने लग गया था हो रही ठीक है लोगों ने यही समझना कि भैया बकरों को कुट रहे हो कुट नहीं रहे भैया हम इनको ना साफ कर रहे हैं ये इस तरह सूखते हैं इस तरह ये देसी देसी जुगाड़ है सुखाने का बकरे ठीक पुराने बंदे जो थे पुराने लोग रहते थे ना उन्होंने इतने ज्यादा रखे हुए थे उनके पास ना वो लंबी सी ना लकड़ी होती थी वो ऐसे ऐसे मार के ना ये तो बारीक है वो इतना मोटा ठीक है उसके साथ इसको तो खैर हम लोगों ने सुखा लिया ठीक है मैं छोड़ दे इसको इसकी इसका ये पानी सारा नीचे गिरा हेलो उस्ताद है ओ, कोई लिफ्ट नहीं उस्ताद हेलो इसको और मेरी बात तो सुनो मेरी गाल तो सुनो और बैठ के निबड़ लेते और व्हाट अबाउट दैट यार गाल नहीं सुनता यार इसको इसको सुखाते हैं छोड़ दे हम इसको साइड पे ले जा इसको इसकी अब पटाई की बारी आ गई है यार आया तो शरीफ है क्यों मार रहे हैं तुम पानी सुखा रहे हैं अच्छा तो इनका मूड कोई नहीं है इसको फेंक देते हैं इधर इनको घर लेके तेन कोई लिफ्ट नहीं करा रहे हैं इनको खाना शाना खिलाते हैं पहले आप भी खा लिए सुबह तक कुछ नहीं खा रहा खाई जा रहे हैं ये नहीं इनका पेट नहीं फूल होता है इनको घर में इनको खिलाया ठीक है बाहर आते हैं पत्ते खाना शुरू हो जाते हैं रात को फिर खाते हैं इनको धूप में ना बांध दे के अंदर ही बांध दे अंदर साइड पे कहीं छांव में बांध चलो भाई चलो चलो तोड़ लो तोड़ लो इनको यार हम लोगों ने अंदर ला के बांध दिया और ये आते साथ बैठ गए ऐसे फिर गंदा हो जाना शरजीत सारा गीला फिर कल मैंने इन लोगों को खाना बना के खिलाया था ठीक है इन्होंने मेरे हाथों का नहीं था खाया आज देखते हैं शरजील तेरे हाथों का खाते हैं कि नहीं खाते कह रहे भाई नहीं रखनी पहले इसके आगे रखा एक के आगे रख क्या करते उठ साथ उठीठ उसके आगे रखा खिला खिला मजा नहीं आया सिर्फ ये खाते हैं बाबा के हाथ का बाबा इनको भी ना खिलाते हैं उनके हाथ का ये खाते हैं बाबा अंदर कनक डाल देते हैं ना रखो इसको दूसरे को खिला दूसरे के आगे कर ऐसे नहीं चल खिला अल्लाह का हुक्म तेरी मेहरबानी खा ला भाई उसने नहीं खाना मैं तो नहा के फ्रेश होता हूँ हालत बुरी हो गई है नेक्स्ट डे तो यार नहा के मैं फ्रेश हो गया हूँ इस व्लॉग को इधर ही करते हैं उम्मीद है आप सब महाराज को व्लॉग देखकर मजा आया होगा अगर व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मुलाकात होती है आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।